here and we are live. Assalamu alaikum. Today we have with us hamare saath hain President Chess Federation of Pakistan, National Master Hanif Qureshi Saab, who is a well-known player in the Pakistani chess circuit as well as one of the founding members of chess in Pakistan. Sir, it is an honor to have you here with us. जी शुक्रिया शहरयार, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं चेस कम्युनिटी में अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं और अपना मिशन स्टेटमेंट और हमारा जो मकसद है और जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं इसको आपके सामने ला सकूं। सर, सबसे पहली बात, हमारी चेस कम्युनिटी में इस साल और पिछले साल काफ़ी नए लोग आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट नो who you are, what the chess federation does. तो अगर आप थोड़ा समरी में कुछ लफ्जों में बता सकें कि चेस फेडरेशन करती क्या है बेसिकली। जी, चेस फेडरेशन इज द ऑफिशियल बॉडी जो जिसका पाकिस्तान में काम ये है कि वो पाकिस्तान में चेस की तमाम एक्टिविटी को रेगुलेट करते, इसके अलावा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, लोकल कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एज पर द फीडे गाइडलाइंस एंड फीडे रूल्स उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा हम ये करते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है फॉर वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स उनको हम सिलेक्ट करते हैं थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिशन एंड थ्रू अ मेरिट व्हिच इज वेल सेटल्ड आउट देयर। तो बेसिकली रेगुलेशन, रेगुलेट करना और इसके अलावा पूरे मुल्क में चेस की जो एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करना और फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए पाकिस्तान की नेशनल जूनियर एंड सीनियर टीम्स को सिलेक्ट करना और उनको बाहर भेजना। यू राइट। मैं खुद 2019 से इस चेस सर्किट से रिलेटेड हूँ और आई प्लेड माय फर्स्ट रेटेड टूर्नामेंट इन लाहौर इन 2018-2019 आई थिंक। तो तब से लेके अब तक I think one of the best organized tournaments I've played is by, you know, the Chess Federation of Pakistan, the current ones which are in power. Uske alawa mujhe bata sakte hain apne bare mein thoda ke how you came into chess aur aapne abhi tak kya kuch kar liya hai, you know, the list of accomplishments. Ji, main actually thoda sa late comer hu chess mein, to maine chess kafi late start kiye, shayad around 15 years or so of my age. उसके बाद मैं मैंने सिंध चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, मेरा कराची से ताल्लुक है और फर्दर आई वेंट ऑन टू प्ले नेशनल चैम्पियनशिप। माय सेकंड नेशनल चैम्पियनशिप वाज इन क्वेटा इन 1989 वेयर आई वाज सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान एंड आई बिकेम द नेशनल मास्टर, जिसमें उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है चेस ओलम्पियाड में जो कि 1990 में यूगोस्लाविया में हुआ था। उसके बाद मैं चेस इतनी खेल नहीं सका प्रोफेशनल चेस कामों में बिजी होने की वजह से, और उसके बाद एक मैंने चेस की प्रमोशन की एक स्ट्रगल शुरू की जो पाकिस्तान में, जैसा कि आपको मालूम है कि रीजन में और अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पाकिस्तान चेस के मामले में काफ़ी पीछे रह गया है पिछले तकरीबन तीन डेकेड्स में, 25-30 साल में। तो हमने कोशिश की उसके बाद काफ़ी अरसे कि हम इसको बेहतरी की तरफ ले जा सकें। अच्छा सर, वैसे इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अवर ऑडियंस, बट मेरे लिए हमेशा इंटरेस्ट में रहा है कि 1980s के अंदर, 1970s के अंदर के जो चेस प्लेयर्स थे, हाउ डिड दे यूज टू प्रैक्टिस, वॉज इट जस्ट ऑन द बोर्ड, क्योंकि बुक्स तो अभी तक हमारे पास नहीं आई। पाकिस्तान में मैं थक मरा हूँ बुक्स ढूंढते, बट आई कुडंट फाइंड एनी चेस बुक, एनी चेस रिसोर्स अदर देन व्हाट वाज अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप मुझे जरा बताएं कि जब आप 1989 में खेल रहे थे, 1986 आपने बताया, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ डिड यू स्टडी, हाउ डिड यू प्रैक्टिस? देखिए, आज की जो सिचुएशन है दैट इज वेरी डिफरेंट। हमारे वक्त में तो ये होता था कि बुक जो है वो तबर्रुक होती थी, जैसे कोई बहुत किसी दूर दराज जगह से कोई चीज आपको मिल जाए ना, तो बुक्स तो होती नहीं थी बिल्कुल। आज तो आपके पास डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट की रिसोर्सेज हैं, तो आज काफ़ी कुछ आपके पास अवेलेबल है जो स्पेशली हमारी नई जनरेशन है। तो जितना भी आपको ट्रेनिंग के टूल्स हैं और ट्रेनिंग के मौके हैं वो आज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और डेफिनेटली अगर आप दुनिया भर में देखें और पाकिस्तान में भी देखें तो चेस का मैार बेहतर हुआ है। अब चेस जो है बड़ी यूथ में बड़ी ज़बरदस्त चेस खेली जा रही है पूरे मुल्क में,
और ये इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हमारे वक्त में बहुत कम मौके थे ट्रेनिंग के भी, और स्पेशली मटेरियल जो है चेस का वो बिल्कुल तकरीबन अनअवेलेबल था। सही सही। तो मुझे बताएं कि जब मुझे सर यू नो मुझे आज तक नहीं पता चला कि हाउ डिड दिस इंटायर सिनेरियो कम टू बी। ये सारी ड्यूल एसोसिएशंस जो बन चुकी थी, पैरेलल बॉडीज बन चुकी थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब फर्स्ट पीसीएफ बनी या फिर जब पहला इंस्टीट्यूशन बनी उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा गया? हाउ डिड ऑल दीज पैरेलल बॉडीज कम टू बी, एंड इफ यू कुड रिकाउंट द स्टोरी ऑफ हाउ यू नो मैनेज टू मेक सीएफपी इनटू वन बॉडी अगेन, क्योंकि आई नो कि दैट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल। जी शहरयार, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसलिए कि ये हमारी यंग जनरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो हिस्ट्री है इसको भी हमें पता होना चाहिए। हुआ ये है कि जो चेस का डिक्लाइन है वो तकरीबन 25 साल पहले शुरू हुआ, या 30 साल पहले इसको कह लें, और उसकी मेन वजह ये थी कि जो जिस तरह आपने देखा है कि एक माशरा जब डिक्लाइन होता है और नीचे की तरफ जाता है, उर्दू में कहते हैं इन्हेताता होता है, तो उस वक्त फिर सब चीज़ें भी ख़राब होती हैं। बदकिस्मती से उस वक्त फिर ये ट्रेंड हो गया कि चेस से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, और यानी ज़ाती बेनिफिट जो ऑफिशियल से उनका ज़ाती बेनिफिट कैसे हो सकता है। तो बदकिस्मती से उस वक्त फिर इस तरह हुआ कि जो छोटे छोटे मफादात थे, मसलन एक 2 साल के बाद इंटरनेशनल ओलंपियाड में पाकिस्तान की तरफ से जाना है, और इसके अलावा कोई छोटे मोटे इवेंट्स में जाना है, किसी होटल में ठहर जाना है, तो उन छोटे छोटे मफादात की वजह से जो मुल्क का मफाद है वो कम्प्रोमाइज़ हुआ। और हमें ये नज़र आ रहा था जब मैं 2005-06 में मैं पाकिस्तान आया, मैं मुल्क से बाहर रहता था, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि ये सूरत हाल है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। उस वक्त जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो चेस का जो पॉलिटिकल लेयर है जिसमें एसोसिएशंस हैं और फेडरेशन है, उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े डिफरेंट हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स वो नज़र नहीं आते जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या जो दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड है कि आपने चेस को प्रमोट करना है बीइंग अ चेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक बजाय इसके कि हमें सियासत के मामलों में पढ़ें, हमें चेस की खिदमत करनी है, तो हमें किसी ओहदे की जरूरत नहीं, हमें कोई भी प्लेटफॉर्म बना के चेस की खिदमत कर सकते हैं। उस दौरान में हमने PCPA पाकिस्तान चेस प्लेयर्स एसोसिएशन बनाई, जिसको मैं चेयर करता था, और पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल मास्टर शहजाद मिर्जा मरहूम उसके सेक्रेटरी जनरल थे, और पाकिस्तान के कई मरतबा के कौमी चैम्पियन महमूद लोधी साहब उसके वाइस चेयरमैन थे। और हमने इसमें कई एक्टिविटीज़ की, काफ़ी हमने मेहनत की, और पहली दफ़ा मुल्क की उस वक्त की 55-60 साल की तारीख में पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल सुपर ग्रैंड मास्टर को पाकिस्तान इन्वाइट किया कराची में, और कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी वो जो है बच्चों से खेले, इसके अलावा उन्होंने सिमल्टेनियस किया, उन्होंने इंटरव्यूज किए, दैट हैज़ बूस्टेड चेस अ लॉट। लेकिन फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि फॉर एग्जांपल तकरीबन 3 साल के अरसे में हमने बहुत सारे इवेंट्स कराए, और हमने उस वक्त की फेडरेशन से रिक्वेस्ट की कि हमारे इवेंट्स में वो जो है रेटिंग ऑफिसर का जो है तकरर करें ताकि हमारे फीडे रेटेड इवेंट हो सकें। बदकिस्मती से तमाम जो इवेंट, और इवन वो इवेंट जिसमें नाइजल शॉर्ट हु इज़ अ वेरी इज़ अ ब्रांड नेम इन चेस, आप सब लोगों को मालूम है, जहां वो मौजूद थे उस वो इवेंट भी हमारा फेडरेटेड ना हो सका। तो वजह उसकी ये थी कि शायद उनको ऐसा महसूस होता था कि ये अगर हमारे फेडरेटेड इवेंट हो जाएंगे तो इससे शायद कोई जो है कंपटीशन उनको मिलेगा या वगैरह। बहरहाल उसके बाद हमने भी डिसाइड किया कि हमें मजबूरन इस पॉलिटिक्स में चेस की आना पड़ेगा, और फिर हमने वो स्ट्रगल शुरू की जो स्ट्रगल फिर फर्दर ऑन 2011-12 के बाद हमने शुरू की, और वो भी एक लंबी स्ट्रगल है और उसकी बड़ी कहानी है जो हमारी चेस कम्युनिटी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी तारीख का पता हो ताकि हम अपनी समत जो है फ्यूचर के लिए वो भी हम सेट कर सकें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी कि जब से आपने CFP आई थिंक जून 2021 ऑनवर्ड शुरू किया था, हाँ, सो तब से लेके अब तक वी हैव सीन अ वाइड अरे ऑफ
chess events throughout the country, especially in Islamabad. उसके अंदर आप किसको क्रिएट करते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्रिएट करते हैं, अपनी टीम को, चेस प्लेयर्स को? व्हाट डू यू थिंक हैज़ बीन द कल्टीवेटिंग ग्राउंड व्हिच हैज़ लेड टू ऑल दीज इवेंट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? शहरयार, देखें, एक शख्स कुछ भी नहीं होता, ये एक टीम वर्क है जिसमें पूरी टीम पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक एक्टिव हो रही है. हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, मजीद लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि मुल्क में स्पेशली वॉलंटियर लेवल पे हम हमारी यूथ हमें ज्वाइन करें और वो आगे की तरफ चीज़ों को लेके जाएं. तो डेफिनेटली क्रेडिट किसी, इट डजंट गो टू वन पर्सन, इट गोज टू द होल चेस कम्युनिटी. मैं कहूँगा फेडरेशन है, एसोसिएशन हैं, और इवन चेस कम्युनिटी है जो अपने अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट से लेके एसोसिएशन तक एंड देन फेडरेशन तक अपना अपना काम करते हैं जिससे चीज़ें की आगे की तरफ जा रही हैं. क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? डेफिनेटली नॉट. इसलिए कि ज़ाहिर है कि हमारे पास इतना लंबा गैप है. हमारा आखिरी जो इंटरनेशनल मास्टर टाइटल है हमें तकरीबन 38 साल पहले मिला है, 38 years back. तो डेफिनेटली गैप तो बहुत ज़्यादा है और उसको हमें अगले कई सालों तक फिल करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन इट इज़ अ गुड स्टार्ट. वैसे यू नो व्हेन आई सी अराउंड लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, ऐसी के सिर्फ दो तीन ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके नाम मुझे याद हैं. जाहिद साहब हैं, एक शफीक साहब थे, उनका बेटा अब ऑर्गेनाइज करता है, और एक उमर फ़ारूक साहब हैं. ये तीन लोग हैं जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. तो आपका क्या, क्यों आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि सिर्फ तीन लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो चेस ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स? व्हाट आर लाइक द रीजंस फॉर दैट? जी शहरयार, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दो मिनट के लिए वो भी बातें करना चाहूंगा जो 2012 के बाद एक स्ट्रगल रही. क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि 2012 तक तो ये हुआ कि हम एक प्राइवेट एसोसिएशन बना के चेस की खिदमत करना चाहते थे. बदकिस्मती से हमें वो नहीं करने दिया गया और हमें फिर इस स्ट्रक्चर की तरफ आना पड़ा, विच आई थिंक वॉज द राइट डिसीजन. क्योंकि बहरहाल जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में चेस का, अगर आप इसको इसमें आते हैं तो आपके पास ज़्यादा मौके हैं कि आप इसको आगे बढ़ा सकें. 2012 के बाद एक लंबी स्ट्रगल चेस की हुई और जिसमें एक वक्त आया कि हम आइसोलेट भी हो गए फ्रेंकली, इसलिए कि डेफिनेटली आपने एक इनक्यूबेंट जो एक फेडरेशन है उसके साथ आपने स्ट्रगल में जाना है. और आपके लिए शायद और कम्युनिटी के लिए ये शायद इंटरेस्ट की बात होगी, इस दौरान में बहुत तरह की ऑफर्स की गई और जाहिर है कि पाकिस्तान में जिस तरह का आपको पता है मामलात होते हैं उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़, जो इंतखाबात में इरेगुलरिटीज़ हुई, और सबसे ज़्यादा जो बदकिस्मती की बात है कि वो ये है कि पाकिस्तान के कौमी खिलाड़ियों पर 10 साल तक पाबंदी लगाई गई जिसमें मौजूदा कौमी चैम्पियन आमिर फीडे मास्टर आमिर करीम भी शामिल हैं और दूसरे पाकिस्तान के जो असासा खिलाड़ी थे उन पर 10 साल तक पाबंदी लगाई गई, सिर्फ इसलिए कि वो सियासी तौर पे किसी एक पार्टी को या किसी को सपोर्ट करते हैं. मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे डार्क जो है ईरा है जिसमें पाकिस्तान की चेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और मैं स्पेशली कहूँगा कि पंजाब को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए कि पंजाब को इस 10 साल में बाहर रखा गया, ना उनके खिलाड़ी को किसी को सिलेक्ट करने गया, ना उनको किसी इवेंट में जो है आगे आने दिया गया, उन पर पाबंदी बरकरार रखी. जो फीडे की हमारी कोशिशों से 10 साल के बाद वो पाबंदी हटी. तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान के लिए और हमारी चेस के लिए कि ज़ाती पसंद और नापसंद पे बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाएं. तो ये इरा भी चलता रहा और इस दौरान में आपको शायद मालूम हो कि हमने बड़ी इसमें स्ट्रगल की, और हमारी स्ट्रगल सिर्फ इसलिए थी कि एक मुनसिफाना इंतखाबात कौमी लेवल पर हों, और इस तरह ना हो कि लोग अपनी मर्जी से अपने ड्राइंग रूम में बैठ के किसी भी राह चलते बंदे को पकड़ के उसको किसी भी ऑफिशियल डिक्लेयर करके उससे वोट डलवा लें. और स्पेशली इस दौरान में ये हुआ कि सियासी लोगों को, जो पावरफुल पॉलिटिशियंस थे, उनको चेस में लाया गया जिनको चेस की अलिफ़बे भी नहीं पता थी. अगर आप उनसे पूछें जो हालिया तारीख में पाकिस्तान के चेस के कत्ता धत्ता रहे हैं और जिनके पास सेनेटर्स थे, वजीर थे, सेनेट के लोग थे,
वेरी पावरफुल पीपल, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि रुख और नाइट में क्या फर्क है तो वो बता नहीं सकते। तो उनको लाया गया एक स्पेशल मकसद के लिए कि पाकिस्तान के इदारों पर दबाव डलाया जा सके और इलेक्शन रिग किए जा सके। और ये इलेक्शन की रिगिंग की तारीख बड़ी पुरानी है और इसमें हमने बड़ी स्ट्रगल की, इसमें बहुत ऑफर्स भी की गई और मैंने इसमें बिल्कुल जो है अपना सीधा रास्ता रखा। मैंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, इलेक्शन जो है मुनसिफाना होने चाहिए, सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी इलेक्ट हो, जो भी इलेक्ट हो वो काम करे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है, पाकिस्तान आगे जाएगा, बुरा काम करेंगे तो इट्स बैड फॉर पाकिस्तान। तो ये हमने पूरे 10 साल ये स्ट्रगल की इसमें और अल्टीमेटली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी फेडरेशन, पाकिस्तान में 42 फेडरेशन हैं, पाकिस्तान की खेलों की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि फीडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन, एशियन चेस फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और इसके अलावा एक ऑब्जर्वर आए जो कि जज हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के, जो तशरीफ लाए कुवैत से और उन्होंने मिल के इस इलेक्शन को सुपरवाइज किया और इसको ऑर्गेनाइज किया। हमारा मकसद यही था कि इलेक्शन हो जो कि ओपन हो और सुपरवाइज्ड हो और हाईएस्ट लेवल पे जिसको रेगुलेट किया जाए। और उस इलेक्शन के दरमियान के बाद अल्लाह ताला ने और कम्युनिटी की जो है वो मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम्युनिटी ने मुझे ट्रस्ट किया पिछले साल जून में और हमने बड़ी मेजोरिटी से हॉल में जितने भी वोट मौजूद थे सारे हमें पड़े। 14 वोट हमने लिए आउट ऑफ 20 वोट्स एक्चुअली। तो इस मेजोरिटी से हमें हम पे ट्रस्ट किया गया और हमने उसके बाद बड़ी कोशिश की कि हम एक नया इरा कायम कर सकें, एक नई मिसाल कायम करें पाकिस्तान में, हम वो चीज़ें ना करें जो पिछले 30 साल में होती रही। एक लोग आए अपने मुखालफों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, फिर दूसरे लोग आए उन्होंने अपने मुखालफों पर पाबंदी लगा दी, सबके दरवाजे बंद कर दिए। ये फेडरेशन एक ओपन फेडरेशन है, इस फेडरेशन ने किसी पर पाबंदी नहीं लगानी। हाँ, अगर वो नॉन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे और नजर आएगा कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको जवाबदेही का पूरा मौका देने के बाद कोई भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जाएगा जो किसी के जो है वो सियासी या किसी भी और वजह से, किसी के कलर, किसी की रिलीजन, किसी के ख्यालात, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन सिर्फ जब लिया जाएगा जब वो वाकई एक नोन एंड रिटर्न डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे और इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो बहरहाल एक सिस्टम को हम बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, ये बिल्कुल इनिशियल टाइम है हमारा, ये समझ लें कि बिल्कुल इब्तिदा है पाकिस्तान में। तो अभी कई सालों तक हमने इस पर मेहनत करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी और मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल मास्टर्स भी होंगे, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स भी होंगे। पाकिस्तान की यूथ में बहुत करंट है, पाकिस्तान की यूथ में इतना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को इंशाल्लाह हमें आगे ले जाने के लिए मौके निकालने होंगे और ये मौके अब आ रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मौके हम बेहतर करें और पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक नई तारीख रकम करें। अच्छा सर, ये तो आपने चेस पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि व्हाट वाज द एंटायर सिनेरियो इन पाकिस्तान, आपने एक लंबी तारीख बताई, मगर अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसी क्या मुश्किलात दरपेश हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच सका जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था, या फिर अभी आप ऑर्गेनाइजिंग में हैं, अभी आप प्रेसिडेंट हैं चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं? देखें, जो एक तो हमें टाइम का जो है वो डिसएडवांटेज है। अगर आप रीजन में देखें तो लोगों ने बहुत पहले काम शुरू किया है, अब से 30-30 साल पहले काम शुरू हो चुका है। तो अगर आप स्केल पे देखें तो हम अभी रीजन से 20-25 साल पीछे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो इस मामलात को समझते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक मैराथन रेस हो रही है और जब रेस शुरू हो चुकी है और उसको 25 साल गुजर चुके हैं, तो जब आप उस रेस में शामिल होते हैं तो बेसिकली आप बहुत पीछे होते हैं, क्योंकि रेस वाले 25 साल में बहुत आगे जा चुके होते हैं ना। तो ये टाइम का एक डिसएडवांटेज हमारे पास है जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो जिनकी वजह से चेस नहीं आगे जा सकी है, वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे एरियाज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का एरिया है। मॉडर्न चेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्ट एंड साइंस। अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपने एक फेडरेशन के लेवल पे, एक मुल्क है जिसमें 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर आपने इसको
ऑर्गेनाइज करना है पूरे मुल्क के लेवल पे, तो आपने इसको बहुत साइंटिफिकली लेके जाना है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको बहुत ही पुराने तरीकों से चेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी बिल्ड करनी है। मैं इस साल ऐसे देता था, अब से मैं 10 साल पहले 5 साल पहले भी यही मिसाल देता था कि बेसिकली आप इस वक्त जमीन पे लेटे हुए हैं और रेस का जो जो स्ट्रिप है आप उससे काफी दूर हैं। आप उठेंगे, बैठेंगे, आप उसके बाद खड़े होने की कोशिश करेंगे, खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आप चलेंगे और रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक आप पहुंचेंगे और उसके बाद आप भागना शुरू करेंगे एंड देन यू विल ज्वाइन पीपल हु आर यू नो योर कॉम्पिटिशन इन द रेस। तो अभी रेस से हम काफी इसमें दूर हैं। और दूसरी जहर है कि ग्लोबल जो प्रॉब्लम है वो स्पॉन्सरशिप्स की है। अभी मैं 2 कराची के ट्रिप कर चुका हूँ रिसेंटली जिसमें एक स्पॉन्सर से मैं इंगेज हो रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंगेज होंगे। और इसके लिए भी थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए होती है क्योंकि स्पॉन्सर्स भी जानना चाहते हैं कि जी आपने पिछले 2-3 साल में क्या काम किया है, पिछले 30 साल में क्या काम हुआ है, तो जिस तरह काम हुआ है वो आपके सामने है। तो हिस्ट्री हमें चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ इंगेज हों। तो स्पॉन्सरशिप्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और ये सब लोग आएंगे और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है ना जिसमें हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है, जिसमें स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, दुनिया भर में ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसमें बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम अब HEC से पहली दफ़ा इंगेज हुए हैं और पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज की चैम्पियनशिप होती है ये पहली दफ़ा फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको सुपरवाइज किया है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इंगेज लोगों को मजीद करेंगे। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेस पाकिस्तान में पिछले 25 साल में पीछे रही है और उम्मीद है कि अब जब ये स्टार्ट शुरू हुआ है तो ये काफी आगे की तरफ जाएगी। अच्छा सर, स्पीकिंग ऑन स्पॉन्सरशिप्स, कुछ महीने पहले मैं अपना एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करा रहा था अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, तो मैंने अपने वैसे ही किसी सीनियर से बात की चेस कम्युनिटी से। So he was telling me ke you can also get sponsors, you can go and contact the AC office, the DC office, unke paas funds hote hain allocate karne ke liye for various activities throughout the city, to aap usko proposal likhe udhar se aapko funds milenge. Phir he was telling me ke the chess federation gets funds from the Pakistan sports board aur FIDE se funds milte hain, and to kehte hain ke aap pehle in government organizations ko tap in kare and then you go towards the private organizations. तो इसमें कितनी सच्चाई है? How much do we get funds? जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी हमें फंड मिलने की उम्मीद है और इसके अलावा फीडे भी हमें हेल्प करती है। इसके अलावा हम खुद भी कोशिश करते हैं कि अपने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पिछली नेशनल चेस चैंपियनशिप जो हुई थी वो हमारे इलेक्शन के 6 दिन बाद हुई थी और इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क जब आपका इलेक्शन हो तो आप उसके 5-6 दिन बाद नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करें। वो तो गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे पर्सनल दोस्त हैं जिन्होंने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया और हमें 20 लाख रुपए की जो है उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इस इवेंट को ओन किया और तमाम लोग गर्मी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान गए और गिलगित में इस चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मुल्क के तमाम कोनों में हमने चेस को लेके भी जाना है। बहरहाल जो हमारा जो खर्चा था उस चैम्पियनशिप में वो बहुत ज्यादा आगे चला गया हमारे बजट से, वो तकरीबन 9.5 लाख आगे चला गया, 29 लाख समथिंग चला गया, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी हुई। और इसके अलावा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चलती रहती हैं, हर एक्टिविटी में आपको सपोर्ट करना है, आपको स्पॉन्सर चाहिए। तो इट इज नॉट, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 7 मई को हमने एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो है लाहौर में एक इवेंट पंजाब चेस एसोसिएशन के अंडर। इस इवेंट में भी डेफिनेटली एक बजट है जिसको हमने मैनेज करने की कोशिश करनी है और हमारी कोशिश है कि हम बेहतर इन्वायरमेंट भी फ्राहम कर सकें, हम माजी की बनिस्बत इन्वायरमेंट को बेहतर करें, चेस फैसिलिटीज को बेहतर करें और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए बेहतर सहूलियात का इंतजाम कर सकें। ऑल दिस नीड्स मनी एंड ऑल दिस नीड्स सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, नॉट ओनली फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स, अदर स्पॉन्सर्स, लेकिन इसके अलावा जो है पूरी कम्युनिटी से इसकी सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट है, स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अदर एरियाज हैं और पूरी दुनिया में ये जो है किसी भी स्पोर्ट्स का फरोग ऐसे ही होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ी अच्छी आपने बात की, आप माशाल्लाह
हैं आपके दूसरे साथी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो यूथ है ये माजी, ये हम जो अब मिसालें कायम कर रहे हैं ये आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान की यूथ इनको आगे लेके जाएगी। इसमें ये बड़ा अच्छा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आप मौजूद हैं आप अपने डीसी से जाके मिलें, अगर आप चाहते हैं कि आपको फेडरेशन या एसोसिएशन हेल्प करे तो आप एसोसिएशन को रابطہ करें और आप कहें मेरी ये मीटिंग है, फलां से मीटिंग है, ये कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स है, मैं चेस की ये एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रोवाइड करें जिसमें कि मैं जाके मिलके अपनी ऑथेंटिसिटी साबित कर सकूं। तो इंशाल्लाह फेडरेशन भी और एसोसिएशन भी आपकी हेल्प करेगी, जिसमें आप पहले से उनको प्लान बताएं, अपनी डेट टाइम लाइन इवेंट की डिटेल ये बताएं, अपनी मीटिंग की तफसीलात लिख के भेज दें, हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना काम देखें ये कम्युनिटी कर सकती है कोई भी नहीं कर सकता, फेडरेशन की जितना भी कर सकती है फेडरेशन कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जैसे पुरजोश यंग टैलेंटेड एंड यू नो फुल ऑफ एंथुजियाज्म जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे तो ये काम बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। उसमें जो भी गाइडेंस आपको चाहिए मैं अवेलेबल हूँ, पूरी जो है हमारी टीम अवेलेबल है जिसमें कि हम आपको सपोर्ट करेंगे एट एवरी लेवल। अच्छा सर, वैसे स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक आप मुझे बताएं कि अगर एक बंदे ने 50 लोगों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना होगा, ऑब्वियसली व्हाट ही विल नीड इज बोर्ड्स, क्लॉक्स, एलोकेशन, प्राइज फंड और क्या, खाना आई गेस, खाना और पानी, इस सब को मिला के एक टूर्नामेंट फॉर 50 पीपल क्या कॉस्ट आएगी? देखिए कॉस्ट के लिए आप चाहें तो जरा फाइनेंस में हमें कर लें, जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या दूसरे और इदारे आप उनसे, क्योंकि एवरी इवेंट इज डिफरेंट और हर शहर की कॉस्ट डिफरेंट होती है, हर इवेंट की कॉस्ट डिफरेंट होती है, जितने मामलात हैं उनकी डिफरेंट होती है। तो इवेंट इवेंट आप भेज सकते हैं कि ये इवेंट मैं कराना चाह रहा हूँ और इस इवेंट पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो आपके कॉस्टिंग, क्योंकि हम कॉस्टिंग करते रहते हैं तो वो एरिया के हिसाब से सूबे में कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद इज मोर एक्सपेंसिव देन फॉर एग्जाम्पल भावलपुर, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कहाँ आप कराना चाहते हैं, किस डेट में कराना चाहते हैं, कितने दिन का इवेंट कराना चाहते हैं, किस तरह का इवेंट कराना चाहते हैं, तो इसकी कॉस्ट बड़ी डिफरेंट होती है, इस यू नो वेरी कस्टमाइज एंड टेलर मेड। एंड उसके अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है दे कैन सपोर्ट यू बाय गिविंग प्रोवाइडिंग यू द क्लॉक्स, प्रोवाइडिंग यू द बोर्ड्स। जी बिल्कुल, इसमें एसोसिएशन भी सपोर्ट कर सकती है और हम चाहते हैं कि ये एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म बढ़ें और आगे की तरफ जाएं और इस एसेट पे मेहनत भी की है काफ़ी। अब आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट लाहौर में हुआ पिछले साल, जिसमें 650 प्लेयर्स वर प्लेइंग और उसमें आपने देखा कि उसके इंतजाम, उसके लिए जो है चेस क्लॉक्स इम्पोर्ट किए गए, सारा कुछ मेहनत उसके लिए की गई। तो हम चाहते हैं एसेट आगे की तरफ भी चलें, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल जो है रोल प्ले कर सकती हैं, कम्युनिटी रोल प्ले कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता हम चाहेंगे कि जो है डिस्ट्रिक्ट भी इसमें पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से लेके, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट्स आर बैकबोन ऑफ एनी सिस्टम। अगर आप श्रीलंका की मिसाल लें जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है, इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रिक्ट बहुत फाल हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के पास हजारों जो है वो प्लेयर्स मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो इवेंट्स में खेलते भी हैं। तो फर्स्ट करें कि आप अगर 1000 प्लेयर एक डिस्ट्रिक्ट के पास हो अगर पंजाब में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 104 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो नेशनल लेवल पे कितनी रजिस्ट्रेशन होती है, कितने बड़े बड़े इवेंट होते हैं। और इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि श्रीलंका में जब वो नेशनल चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग साइकिल शुरू करते हैं, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है अल्टीमेटली नेशनल लेवल तक जाता है, तो उसमें तकरीबन 30,000 के करीब बच्चे खेलते हैं और 30,000 बच्चों से वो तकरीबन 1,000 रुपए पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन लेते हैं, विच मेक्स 1,000 रुपए पाकिस्तानी एक बच्चे को एक साल में किसी को भी इतना खलता नहीं है। लेकिन एट दी नेशनल लेवल एक वो एसेट जमा होता है जिससे कि वो फिर सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल टीम्स को, डिफरेंट इवेंट्स को। तो अब 3 करोड़ रुपए अगर एक साल में वो जमा करते हैं तो वो फिर दे विल गिव दिस मनी फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड। तो ये कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, कम्युनिटी की एंगेजमेंट बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये सब समझें कि ये चेस की जो प्रमोशन है ये कम या ज्यादा लेकिन है हम सबका काम। अच्छा सर, स्पीकिंग आपने जो बताया कि आपने भी 650 लोगों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, मैंने देखा था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था एंड मेहनत नज़र आ रही थी,
तो कैन यू लाइक टेल अस अबाउट द प्रोसेस के हाउ यू गॉट द स्पॉन्सर्स, हाउ यू इवन गॉट द आइडिया, प्रेस कीपर इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगा, ये सारा किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ, एंड डेटा क्या जर्नी रही आपकी? जी ये कई महीने इस पे लगे और ये कई दफा हम इसमें लाहौर गए। बेसिकली मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि उनकी काविशों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा माइंड स्पोर्ट्स का इवेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें चेस तो थी, इसके अलावा स्क्रैबल भी उसका हिस्सा थी। और आपको शायद मालूम होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं, जूनियर एशियन चैंपियन हैं, और तमाम एशियन लेवल की या वर्ल्ड लेवल की जो यूथ की चैंपियनशिप पाकिस्तान स्क्रैबल ने जीती हुई है, तो स्क्रैबल भी उसका हिस्सा थी। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इसको सपोर्ट किया था इस इवेंट को। इसके लिए हमें कई महीने लगे, कई दफा हम लाहौर गए, कई दफा हम वहां रहे भी, कई के दिन वहां हमें रहना पड़ा, अपना जाहिर है घर बार छोड़ के, मामला छोड़ के, काम छोड़ के, और होटलों में रहना, तो वो हमने किया बहरहाल। और ये कई महीनों की जो है वो कोशिशों के बाद हमने उनको कन्विंस किया कि दूसरे खेलों की तरह वो चेस को भी मौका दें और चेस को आगे लेके आए। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट करते हुए इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए, इसको सुपरवाइज किया, और ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की प्राइमिसेज में ही ये हुआ, और उसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट मिली। अच्छा सर, मगर फर्स्ट के लिए मेरी तरह का एक ले मैन है, एक वॉलंटियर हु वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट, हाउ डू आई गेट टू देम, हाउ डू आई स्पीक टू देम, हाउ डू आई प्रेजेंट माय आइडियाज टू देम? जी शहरियार, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क में जो हमारे लोग हैं उनको ये समझने की जरूरत है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप एक किसी भी लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको ये पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी कोई कॉरपोरेट कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल, वो उनके कोई वालिद हैं, कोई दोस्त हैं जिनके नाम पे वो कोई मेमोरियल कराना चाहते हैं। आप एक सिंपल सी प्रपोजल बनाएं कि ये बजट है, ये इवेंट है, मैं चाहता हूं कि आपके वालिद के नाम से मेमोरियल इवेंट कराएं, उनका भी नाम हो जाएगा, कम्युनिटी को भी अच्छी जो है स्पोर्ट्स के मौके में असर आएंगे। तो ये आप पूरे मुल्क में देखेंगे ये लोग कराते हैं, तो लोगों का जो है अपने वालिदैन से या अपने बुजुर्गों से एक रूहानी जज्बाती और मोहब्बत का ताल्लुक भी होता है। वो उनके नाम से सबीले बनाते हैं, उनके नाम से ट्रस्ट कायम करते हैं, उनके नाम से अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, और डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स का फरोग है माशरे में वो उन्हीं अच्छी चीजों में शामिल है। तो जाहिर है कि लोग इससे एक जज्बाती ताल्लुक भी रखते हैं। तो अगर आप इस बात को समझेंगे और आप जिनको जानते हैं और जिन आपको पता है कि वो इन एक्टिविटीज को अपने CSR प्रोग्राम्स के जरिए या किसी और प्रोग्राम के जरिए इनको सपोर्ट कर सकते हैं, और पूरे मुल्क में लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा है कि आप ये प्रोग्राम उनके पास लेके जाएं फॉर एग्जाम्पल, और आप देखेंगे कि लोग आपके साथ ताउन करेंगे और वो इवन प्रैक्टिकली भी उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। अभी रिसेंटली एक इवेंट पंजाब में हुआ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसमें, मेरे दोस्त हैं और फॉर्मर जो है चेयरमैन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जावेद कुरैशी साहब, और उनके छोटे भाई हैं शाहिद कुरैशी साहब, जो पंजाब में और पूरे मुल्क में 4B के नाम से एक जो है कंपनी चलाते हैं। उनके CSR प्रोग्राम के जरिए उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट जो है पंजाब में कराया। इसी तरह हम चाहेंगे कि मजीद लोग भी आ गए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वी कैन नॉट रीच एवरीबडी ऑल द टाइम। पूरे मुल्क में जो हमारी कम्युनिटी है उनको बड़े अच्छे मौके हैं, किसी भी शहर में आप रहते हैं आप उसमें एक डेटाबेस थोड़ी सी जमा कर लें, 4, 5, 8, 10 लोगों की, जिनसे आप जाके मुलाकात करें। और जब आप शहर के जो आपके कॉरपोरेट में या अच्छे जो आपके बिजनेसेस में लोग हैं जब वो आपको सपोर्ट करते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स इज अ इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी, आप वहां जाके लोगों से मिल सकते हैं, चेंबर के प्रेसिडेंट से आप मिलें, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर आप बताएं कि किसके साथ हम किसको इंगेज करें, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। जब आप ये सब कर देंगे तो, और इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बहुत हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपका जाना जरूरी है, उसके लिए आपका लोगों से मिलना जरूरी है। आप देखें कि जो आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिविजन्स में, आप उनके स्टाफ से मिलें, उनसे जाके मिलें, उनको लिख के आप दें, आप एक प्रोग्राम बनाएं, हमसे उससे सपोर्ट लें, और आप उनको लिख के प्रोग्राम देंगे कि ये इवेंट हम कराना चाहते हैं, इसमें आप सपोर्ट करें। गवर्नमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हॉल्स अवेलेबल होते हैं,
इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट कर सकती है। तो ये आप एफर्ट करेंगे तो इसमें कोई कदगन नहीं है कि जी डिस्ट्रिक्ट ही करेंगे, ऑफिशियल्स ही करेंगे। जो लोग भी इसमें एफर्ट करेंगे, एक तो वो खुद भी आगे आएंगे, वो कम्युनिटी में नुमाया होंगे, उनका नाम आएगा कि वो पाकिस्तान में चेस की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा फर्दर भी वो आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर में भी वो आगे आ सकते हैं। तो इसमें किसी पे पाबंदी नहीं है, हर कोई भी इसमें जो चाहे इसमें कोशिश करके आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें, आपकी अपनी कम्युनिटी में अपने शहर में आपका नाम होगा और आप देखेंगे कि लोग आपकी इज्जत करेंगे कि आप एक मुल्क में स्पोर्ट्स और चेस के फरोग के लिए अपना किरदार एज अ वॉलंटियर अदा कर रहे हैं। जो भी टाइम आपके पास फ्री है आप इसमें चेस की जो है प्रमोशन के लिए दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे यू नो हमें बताए पॉइंटर्स एंड टिप्स ऑन हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज, एंड आई थिंक आई फील इंस्पायर्ड एक्चुअली बाय योर वर्ड्स। तो कैरिंग ऑन विद द कॉन्वर्सेशन, आपके पीछे जो पड़ा हुआ है अवार्ड, आई हर्ड अबाउट दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स के यू गॉट दिस। सो हाउ, व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन यू गॉट दिस अवार्ड? जी जी, पाकिस्तान को माशाल्लाह मैं समझता हूँ बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान को ये एक्चुअली एशियन एक्सेलेंस अवार्ड है, अगर आप इसको थोड़ा सा करीब से देख सकें। आई डोंट नो इफ आई कैन सी, हम देख सकते हैं। तो ये पिछली दफा एशियन चेस समिट हुआ था पिछले महीने अबूधाबी में, और इसमें जो एशियन चेस फेडरेशन के प्रेजिडेंट हैं शेख सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान, जो बेसिकली अल नहयान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि अल नहयान फैमिली की पाकिस्तान में जो खिदमात हैं और जितना उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले किया है, ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देखेंगे हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं, इदारे बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इवन उन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख में एक एयरपोर्ट भी बनाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि भावलपुर का एयरपोर्ट जो है ये अल नहयान फैमिली का पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है। अच्छा। और ये मंसूब भी शेख जायद के नाम से है। तो मैं समझता हूँ कि अल नहयान फैमिली की जो है बड़ी खिदमात हैं, और शेख सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और उनका पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नरम गोशा है और वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। तो रिसेंटली आपको पता है कि जब हमने काम शुरू किया जून में, तो जून से लेकर पिछले महीने तक हमें काम करते हुए 7-8 महीने हुए थे। तो हमारा ख्याल ये था कि हमें शायद अभी कोई अवार्ड के लिए अपने आप को नॉमिनेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी टाइम इवन ईयर हैज नॉट बीन पास्ड। तो एशिया में अगर आपको पता हो तो न्यूजीलैंड से लेके, विच इज ऑल द वे साउथ, जापान न्यूजीलैंड से लेके और इस्तांबुल तुर्की तक, एशिया के तकरीबन 56 ममालिक इसमें शामिल हैं, और इसमें एक एक्सेलेंस अवार्ड होता है जो कि एक फेडरेशन को दिया जाता है। तो 56 मुल्कों में आपके उनके पास च्वाइस थी देने की, तो उन्होंने ये पाकिस्तान को अवार्ड दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चेस में बहुत तीर मार दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत चेस में हमने 10 ग्रैंड मास्टर पैदा कर लिए, इसका मतलब ये है कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज वोकन अप, दुनिया ये देख रही है, एशिया भी देख रहा है। जब और अभी रिसेंटली शायद आपको पता होगा कि रशिया भी जो है वो एशिया में आ गया है, तो रशिया के जो 300+ ग्रैंड मास्टर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ एशियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें चेस के बड़े पावर हाउसेस शामिल हैं, जिसमें ऑफकोर्स चाइना है, इंडिया है और दूसरे बहुत सारे मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जो चेस के पावर हाउसेस हैं। इन सब की मौजूदगी में पाकिस्तान को ये अवार्ड दिया जाना और पाकिस्तान को ये इज्जत मिलना, इस बात का मजहर है कि दुनिया आपकी कोशिशों को सराहती है, दुनिया देख रही है कि आप मेहनत से कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया एक नया ईरा देख रही है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू हो रहा है जहां चेस की खिदमत हो रही है और शुरू हो चुकी है। इसलिए ये अवार्ड दिया गया है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एशियन चेस फेडरेशन का और तमाम कोलीग्स का जो मुफीद मशवरे भी देते हैं और जिनके साथ मैं इंगेज भी होता हूँ। आपको शायद हैरत होगी कि रिसेंटली जब मैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट से रिसेंटली मिला चेस फेडरेशन के, तो उनसे मैंने कुछ 200 सवाल किए। तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इनकी हमारी स्टोरी है बांग्लादेश और श्रीलंका की, हम जैसी है,
और उन्होंने इसको किस तरह शुरू किया, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग मैंने तकरीबन 200 उनसे सवालात किए, तो मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने मुझसे 200 सवालात किए, किसी पाकिस्तानी ने कभी मुझसे एक सवाल भी नहीं किया। तो एक्चुअली हम सीखना चाहते हैं कि आपने 30 साल पहले कैसे शुरू किया था और अब कैसे जा रहा है। तो और बांग्लादेश की बड़ी अच्छी मिसाल है जिसमें तकरीबन 60,000 किड्स को वो जो है वो चेस सिखाना शुरू कर रहे हैं, 30-40,000 वो क्रॉस कर चुके हैं। दूसरे ममालिक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चेस का जो एशियन एक्सलेंस अवार्ड है, इट वाज गिवन टू पाकिस्तान, और ये चेस फेडरेशन और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। और ये जो अवार्ड है, ये इट इज नॉट फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर द चेस कम्युनिटी, इट इज फॉर द चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सब लोग इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं जो अब मेहनत पाकिस्तान में हो रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में आप जैसे माशाल्लाह यूथ ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान की चेस बहुत आगे की तरफ जाएगी। तो स्काईज आर नॉट द लिमिट, तो जितनी हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह दुनिया हमें इतना ही अप्रिशिएट करेगी। अच्छा, कल आपने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी थी मुझे ओवर व्हाट्सएप, एंड आई वुड लाइक यू शेयर इट विद द कम्युनिटी एज वेल, तो वुड यू लाइक टू डू द ऑनर्स? जी, मुझे बड़ी खुशी है कि शहरयार मैं आपके चैनल पे ये पहली दफ़ा अनाउंस कर रहा हूँ पब्लिक के लिए कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो क्वालिफाइंग साइकिल होता है उसको जोनल से शुरू होता है। जी. तो हमारे जोन में फॉर एग्जांपल 6 ममालिक हैं जिसमें बांग्लादेश है, मालदीप है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो इन ममालिक की जोनल चैम्पियनशिप होती है और इसमें हम पाकिस्तान के लिए टाइटल के भी काफ़ी मौके होते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चैम्पियनशिप है जो 1 मई से ढाका में शुरू हो रही है और ये बांग्लादेश चेस फेडरेशन के अंडर और जोनल प्रेसिडेंट जो हमारे शहाबुद्दीन शमीम साहब हैं, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजते हैं, तो उनकी सरकर्दगी में ये चैम्पियनशिप शुरू हो रही है। और पाकिस्तान से इसमें पाकिस्तान की नेशनल वुमेन चैम्पियन महक गुल और पाकिस्तान के जो नेशनल चैम्पियन हैं आमिर करीम, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ढाका रवाना होंगे जहां पर जोनल चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी। मैं महक को और आमिर को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनको गुड लक भी विश करता हूं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एज द टाइम गोज बाय, देखें जो ये जो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी, ये सबसे बड़ा एजाज है। आप किसी मुल्क की के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज द हाईएस्ट यू नो अचीवमेंट यू गॉट एज अ चेस प्लेयर। ऑफ कोर्स उसके बाद भी आपके पास माइलस्टोन्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि आप मुल्क का कलर पहनते हैं, आप पाकिस्तान का कलर पहन के ट्रेवल करते हैं और एक दफा आपको पाकिस्तान का कलर मिल जाता है, दैट इज फॉर लाइफ लॉन्ग, आपकी पूरी जिंदगी आपके पास वो कलर रहता है। तो मैं इनक्रेज करूंगा कि हमारी यूथ इसमें मेहनत करें और मेहनत करके आगे आए। मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की जो जो चेस है इसमें यूथ होगी, 90% यूथ होगी, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे। और आपके पास बड़े मौके हैं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि आपके पास कैरियर भी होंगे। अभी एक मसला बहुत बड़ा हमारे सामने जो है वो कैरियर्स का मसला है। हम चाहते हैं कि चेस में इतना पैसा आए ताकि लोग इसमें शौक भी हो, इसके साथ वो अच्छी परफॉर्म करें, तो दे ऑल्सो सी सम कैरियर। और इसमें रिसेंटली मैं आपको मजीद भी अपडेट करूंगा हम क्या इसमें इकदाम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान जो है जोनल चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाइंग साइकिल में हिस्सा ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन विल वी सी अ न्यू नेम, क्योंकि आई थिंक फॉर द पास्ट 20 ईयर्स और सो वही चंद नाम है जो टॉप 5 में आ रहे होते हैं हर नेशनल में, हर टूर्नामेंट में। आपको क्या लगता है हमें नए नाम कब देखने को मिलेंगे? देखिए, आपने पिछली नेशनल चैंपियनशिप में आपने कितने नए नाम देखे, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कैन यू बिलीव दिस कि आपके पास माशाल्लाह इतना अच्छा टैलेंट है कि एक यंग बच्चा है जो 18 साल की एज है, वो नेशनल चैंपियनशिप में नंबर 2nd आया, ही बिकेम द पार्ट ऑफ टीम। तो आकिब को देख लें, जुनेद को देख लें, आप दूसरे बच्चे हैं, तो ये तो पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है। आपको शायद अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जिस तेजी से अब ऑलरेडी ये आगे की तरफ चल रहा है कि एक नया नाम आया और वो नंबर 2nd नेशनल चैंपियनशिप में आ गया और वेस्ट एशियन एशियन एमेचर चैंपियनशिप में और रसल कप में
और इसके अलावा ओलंपियाड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की जुनेद ने। तो अब जो इस जो जो ये अब जो जो स्पीड है ना, दैट इज इंक्रीजिंग और दैट विल इंक्रीज वेरी वेरी फास्ट। डेफिनेटली यूथ विल कम एंड दे विल आउटप्ले एवरीबॉडी। इसमें कोई कोई राय, मतलब दूसरी राय नहीं है कि ऐसा नहीं होना। तो ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और जितनी भी हमारी मेंबरशिप्स बढ़ेंगी, जितना भी पाकिस्तान में चेस कम्युनिटी हिस्सा लेगी और यूथ इसमें आएगी, आप देखेंगे कि ये जो जो प्रोसेस है ये स्पीड अप होगा। तो ऑलरेडी ये स्पीड अप हो चुका है। आपको पता है कि पिछले दौर में अगर आप देखें 10-10 साल तो लोगों को नेशनल चैंपियनशिप क्वालिफाई करते हुए लग जाते थे कई दफा वो अपनी, और कोई तो ऐसे लोग हैं 30-30 साल उन्होंने जो है वो अपनी प्रोविंशियल चैंपियनशिप खेली है, जो नेशनल के लिए क्वालिफाइंग होती है वो क्वालिफाई नहीं कर सके, कभी नेशनल खेल ही नहीं सके। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सप्लोजन ऑफ चेस है थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू मल्टी मीडिया, थ्रू यू नो ऑल द डिजिटल रिसोर्सेज, इंटरनेट, ये डेफिनेटली इज एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस वेयर द यूथ विल बी कमिंग एंड दे विल सरप्राइज एवरीबॉडी, दे विल स्पेयर नो वन। हाँ, आई सी लॉट ऑफ न्यू नेम्स, स्पेशली जो जूनियर चैम्पियनशिप्स आपने कराई हैं उसमें काफ़ी नए नाम आए सामने। उनकी गेम्स चेक की मैंने, उनकी लीचेस ऑनलाइन गेम्स चेक की एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड के अच्छा पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चे हैं विच हैव सच एन इंटरेस्ट इन द गेम एंड वाज क्वाइट गुड टू सी इट। मेरा खुद एक पर्टिकुलरली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है न्यू लोग गेम के अंदर आए, उनकी गेम देखूँ, हाउ दे लर्न इट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है हर बंदे की ना चेस के साथ एक स्टोरी होती है, हर बंदे की वो उससे कोई इंट्रोड्यूस करता है उसकी लाइफ में चेस, फिर वो उसके ऊपर वर्क अपॉन करता है, सीखता है गेम को, खेलता है, उसकी अपनी अपनी स्टोरीज प्ले आउट करता है एंड देन कोई किसी लेवल तक पहुंचता है, कोई किसी लेवल तक पहुंचता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। अच्छा, सो इट्स बिन आई थिंक अ लॉन्ग टाइम, हमारा पॉडकास्ट का एक घंटा हो गया। So if there is anything more you'd like to add before we wrap things up? जी शहरयार, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप बड़ा अच्छा चैनल शुरू कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप चेस रिसोर्सेज और टाइम भी दें, और चूंकि आप ऑलरेडी इस पे एक मीडिया भी, आपने एक चैनल भी शुरू किया हुआ है और आप इसको पोस्ट करते रहते हैं, इस पे आप मजीद कंटेंट लेके आए और आप कोशिश, अगर आप इसमें हम इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे, हमारी थोड़ी सी बात भी इस पे हुई थी, मैं चाहूंगा कि आपकी बड़ी अच्छी काविश है और मैं इसको सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो डिजिटल मीडिया का रोल जो है वो चेस की प्रमोशन के लिए बहुत अहम है और इसमें आप, जैसा आपने ये पॉडकास्ट किया है, आप मुख्तलिफ पॉडकास्ट कर सकते हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आप जैसे जो हमारी यूथ है पूरे पाकिस्तान में, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको शायद हमारे लिए, जब हम पाकिस्तान की नेशनल टीम में थे उस वक्त भी पाकिस्तान की चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ ऑडियंस वाज वेरी डिफिकल्ट। एक प्रोटोकॉल बड़ा होता था और एक सिस्टम होता था जिसमें आपकी ऑडियंस बहुत मुश्किल मिलती थी आपको ना। तो ये फेडरेशन इज़ अ डिफरेंट फेडरेशन, मैं खुद मौजूद हूँ और आप जो मेरे तमाम दोस्त मुझे जानते हैं कि जब मैं किसी हॉल में होता हूँ तो मैं मोहरे उठा के भी लगाना शुरू कर देता, आई हैव नो प्रॉब्लम, दिस इज माई पैशन। और कभी मुझे लोग रोकते भी हैं कि आप नहीं करें, मैंने कहा बिल्कुल सबको करना चाहिए और ये हमारा काम है, ये हमारा पैशन है, इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए कि ये फेडरेशन जो है ये ओपन है, ये अवेलेबल है, ये अभी मेरा लास्ट वीक एक बड़ा अच्छा 2-3 घंटे का यूथ के साथ कराची में एक जो है इंट्रैक्शन हुआ है जिसमें मैं उन्हें यही कह रहा था कि ये आप, हम तो हमारे जमाने में तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट will sit with the youth and engage himself. तो मैं, मेरा पैगाम ये है कि ये बहुत ओपन फेडरेशन है, मैं खुद बहुत ओपन हूँ, वी आर हियर और हम इंशाल्लाह आपके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड यू नो डू वट एवर यू आर डूइंग और आप जो अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और इसके साथ साथ चेस की प्रमोशन के लिए जिस लेवल पे भी आपको हमारी हेल्प और असिस्टेंस दरकार होगी